सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक के बाद एक बवाल सामने आ रहा है। रोज नई थ्योरी सामने आ जा रही है, लेकिन अब आपको हम कुछ ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर आप भी काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सुशांत और अंकिता की जो जोड़ी बेहद परफेक्ट थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों ने अपना आशियाना भी बनाया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि आखिर सबसे आखिरी दिनों में सुशांत अंकिता से क्या कहना चाहते थे, ऐसी क्या बात थी जो उनके दिल को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब आपको बताते चले कि सुशांत ने एक पोस्ट किया था 11 अक्टूबर 2019 को, जी हाँ, इसमें उन्होंने अपनी एक फ़ोटो डाली थी और लिखा था, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। अब आपको बता दें कि ये जो लाइने हैं वो कहीं ना कहीं अंकिता के लिए ही लिखी गई है। ये वो वक्त था जब सुशांत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, जी हाँ, ये साल के आखिरी दिनों का था 2019 में, जहाँ पर वो सचमुच डिप्रेशन में थे। अब आपको बता दें, दूसरे पोस्ट में उन्होंने ये लिखा था, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। और अब ये जितने ट्वीट्स हैं वो लोग देख रहे हैं और बेहद इमोशनल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि अगर आज अंकिता सुशांत के साथ होती तो सुशांत के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन उस दौर में अंकिता मूव ऑन कर चुकी थी, वो अपने मंगेतर के साथ अपने घर को बसाने का सारा सपना देख चुकी थी और इधर सुशांत रिया के साथ थे। इधर रिया जो थी वो सुशांत को काफ़ी कंट्रोल करती थी, वो उन्हें कुछ भी लिखने नहीं देती थी, ट्वीट्स नहीं करने देती थी। उनका कहना था कि कोई भी ट्वीट मुझसे बिना पूछे मत किया करो, और इस बात का खुलासा खुद डॉक्टर ने भी किया था। मतलब देखना दिलचस्प होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आगे और कौन कौन से नए बवाल खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट।